Asalaamu Alaikum friends, welcome back to my channel. I'm Rabia Ahmed and I hope you all are fine. Uh, friends, today I make a bench. It's a fabric bench. You can make two, three, four. They are very easy and very cheap. So, friends, you need 1.5 meter um, fabric. It can be velvet, it can be cotton, any type of fabric you can use except for uh, a little bit. Um, थिनर फैब्रिक, सो फ्रेंड्स मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है सबसे पहले मैं आपको सर्कल्स काटना बताऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कट आउट द सर्कल्स एंड द लेंथ एंड द विथ आर सेम लाइक ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू सो ट्वेंटी वन एक साइड है और ट्वेंटी टू दूसरी साइड है अब जो आटा गूंदने वाली परात होती है उसके तकरीबन आप मेजर uh, करेंगे उसके साथ ये आटा गूंदने वाली है दिस इज़ लाइक like, मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ कि ये कितनी होगी तकरीबन अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये आपके पास आ जाती है सिक्सटी इंच इसको मैं काट लूँगी और उसके बाद मैं इसको मेजर करके आपको बता देती हूँ कि इसकी विड्थ और लेंथ कितनी आएगी ठीक है और रिमेम्बर फ्रेंड्स जो बड़ी बड़ी परात होती है आ, उसको आप मेजर करके उसके साथ आप कर सकते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने चौड़ाई में ज़रा ज़्यादा रखना है ये ठीक है आ, इस वक्त फ्रेंड्स ये मैं इसको बहुत ही नीटली आपने ड्रा करके कटिंग कर ली ये दो आपके पास सर्कल्स तैयार हो चुके हैं अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके बता देती हूँ कि ये कितना बन रहा है तकरीबन सिक्सटी इंचज़ बन रहा है ये ये आप देख सकते हैं आप इसको इस तरह मेजर कर लें सिक्सटी इंचेस हो जाएगा तकरीबन, ठीक है और अब दोनों सर्कल्स की सेम है आप परात को रख के भी कर सकते हैं ठीक है आ, इस तरह भी आप कर सकते हैं मेजर अब ये दूसरा कपड़ा है अब फ्रेंड्स द साइज ऑफ द सर्कल वॉज सिक्सटी यू हैव टू कट द लेंथ ऑफ दिस फैब्रिक एज सिक्सटी एज वेल जितना सर्कल काटा है सिक्सटी इंचज़ का काटा है मैंने उतना ही कपड़ा मैं काटूंगी सिक्सटी इंचज का कपड़ा मैंने लंबाई में काट लेना ये इसकी विड्थ होगी ठीक है ये इसकी, हो ये इसकी चौड़ाई होगी सिक्सटी क्योंकि पूरा सर्कल के साथ ये सिलेगा इसलिए मुझे ये सिक्सटी इंचज़ ही चाहिए और इसकी जो लंबाई होगी वो मैं ले लूँगी ट्वेंटी टू ठीक है बहुत ज़्यादा आप इसको ऊंचा नहीं बनाइएगा ट्वेंटी टू इसकी हम लेंथ रखेंगे इस बेंच की और इसकी जो विड्थ होगी जो कि सर्कल के साथ स्टिच हो जाएगी वो आपके पास आ जाएगी सिक्सटी अब आप इसको काट लें और दोनों को आपने टर्न करके इसको आपने स्टिच कर लेना है ठीक है दिस इज ट्वेंटी टू दिस इज़ द वेथ दिस इज़ द लेंथ अब मैं लेंथ ट्वेंटी टू को मैं स्टिच कर रही हूँ ठीक है मैंने डबल कर लिया है कपड़ा बीच वाली जो जगह है वो सिक्सटी है एंड दिस साइड दिस इज़ ट्वेंटी टू इंच साइड आई एम स्टिचिंग इट दिस इज एक्चुअली द लेंथ एज यू सी दैट द वथ्थ ऑफ दिस इज अबाउट सिक्सटी दिस इज़ सिक्सटी वथ्थ अब इस सिक्सटी वेट के साथ मैंने सर्कल को रखना है वेलवेट वाली साइड जो सही वाली साइड है वो बाहर की तरफ होगी और आपने इसको इसके साथ स्टिच कर लेना है वेलवेट वाली साइड सॉरी अंदर होगी क्योंकि इसको मैं सीधा करूँगी तो फिर ये आपके पास आ जाएगा सर्कल को आप इसके साथ अच्छे से स्टिच कर दें उल्टा करके आपने स्टिच करना है ठीक है दिस इज़ एक्चुअली द बैक साइड ऑफ द बोथ क्लॉथ्स बिकॉज वी हैव टू टर्न इट एंड शो यू द रियल एंड एक्चुअल फैब्रिक ऑफ दिस पेंच इस फ्रेंड्स आप इस पूरे सर्कल को आप जो नीचे वाला सर्कल है वो तो आप पूरा स्टिच कर लेंगे जो ऊपर वाला सर्कल होगा उसे मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी क्योंकि उसके अंदर फिर मुझे चीज़ों को फिल करना है इसको फिल करना है फ्रेंड्स ये बहुत ही चीप तरीका मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही चीपली आप बना सकते हैं घर में वेलवेट पड़ी हुई है आपको सिर्फ कपड़ा चाहिए वेलवेट का फिर आप घर में देखें कोई कंबल है पुराना कोई रज़ाई है कोई पुराने कपड़े हैं उनको छोटा छोटा काट लें आप जो आपने जिससे इसको फ़िल करना है बहुत इजीली आप इसको फ़िल कर सकते हैं इवन जो आपके सर्दियों के जो आ, ब्लैंकेट्स होते हैं वो आ, प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसके अंदर वो ब्लैंकेट्स डाल लीजिए और बाद में जब सर्दियाँ आती हैं तो आप इसको खोल सकते हैं तो पुराने ब्लैंकेट्स हो गए पुराने कपड़े हो गए एनी थिंग यू कैन फिल दिस बेंच विद सो ये अब मैं ऊपर वाली साइड जो है स्टिच uh, करूँगी ऊपर वाली साइड में ये है कि आपने uh, थोड़ी सी जगह अनस्टिच छोड़ देनी है लीव अ बिट ऑफ एरिया एज अनस्टिच दिस एरिया शुड बी अनस्टिच्ड सो दैट वी विल फिल इट विद डिफरेंट फैब्रिक और उसको हम एंड में नीडल uh, से कर लेंगे स्टिच सो so, अब ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको मैंने पिंस लगा लिए हैं देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई चीज़ स्टिच करनी होती है तो उसको हम अपनी जगह पर रखने के लिए हम उसको पिंस लगा देते हैं अब मैं ये आ, स्टिच करने के बाद मैं आपको इसकी बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह फिल किया है और मैंने इसको किस तरह सेट किया है ये yeah फ्रेंड्स uh, बहुत ही इजीली आप घर में बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेशन कर सकते हैं हमारे चैनल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप uh, कितनी इजीली जो है वो चीज़ें बना सकते हैं अपने लिए तो uh, इसलिए हमारे चैनल को अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह फ्रेंड्स ये मैंने एरिया जो है वो थोड़ा सा छोड़ देना एंड में चलें फ्रेंड्स ये रेडी हो गया इसको आप सीधा कर लें इसको मैं सीधा कर लेती हूँ ये देख सकते हैं आप कितनी नीट स्टिचिंग आई है इसकी अब मैं इसको फ़िल कर लूँगी मैंने इसमें ओल्ड ब्लैंकेट्स डालने हैं इसमें मैंने और जो ओल्ड फैब्रिक है एनी थिंग विच इज़ लेफ्ट विच इज़ नॉट यूज यू कैन फिल दिस बेंच इसको फ़िल करने के बाद जो एरिया मैंने छोड़ दिया था उसको आपने इस तरह बंद करके नीडल के साथ उसकी स्टिचिंग कर लेनी है ये फ़्रेंड्स रेडी हो चुका है फ्रेंड्स मोस्टली ये यूज़ होता है कि आप दो इस तरह के बना के रख लें कभी को मेहमान आ जाते हैं जगह कम पड़ जाती है तो ये बेंच आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग रूम में आप जिस कलर का आपने थीम रखा हुआ है उस तरह आप बना के यूज़ कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं आप देख सकते हैं इसको आपने फिल कर लेना है और ये अक्सर बाल्टी के भी बनाए जाते हैं जिसमें आप बाल्टी डाल देते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जो कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़